You know, that's the biggest thing. I used to visit very often. पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम हो गया और मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब बच्चियाँ जो छोटी छोटी हैं, अभी हाल ही में गया था, टू मंथ अगो दो तीन महीने पहले मैं गया था, जो बच्चियों ने कंप्लेंट की कि भैया आप हमें भूल गए, मुझे इतना बुरा लगा. मैं कहा यार मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर, बट टू फिजिकली गो देयर एंड गिव देम दैट लव एंड दे सो एक्साइटेड, वो बताना चाहते हैं आपको पता है मैंने ये किया है और मैंने क्लास में ये किया. और कुछ छोटे छोटे होते हैं वो तो अपनी ड्राइंग्स लेके आते हैं, सब एक एक ड्राइंग दिखाते हैं कि देखो मैंने ये बनाया, फिर ये वाली ड्राइंग बनाई. दे मेक कार्ड्स फॉर मी एवरी टाइम एंड इट्स सो मच लव. It's amazing. It's just that unconditional, pure love. I'm so happy and I'm so proud to be part of an industry. Hamari industry ka aaj se nahi, kai saalon se ye dastoor raha hai ki jab bhi koi देश पे प्रॉब्लम आई है, लोगों पर प्रॉब्लम आई है, चाहे कोई डिजास्टर हुआ हो, चाहे कोई संकट हुआ हो, इट्स अ वेरी गिविंग इंडस्ट्री. लोग खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हमको करना है, वी वांट टू कम आउट देयर एंड हेल्प. एंड ठीक है, लोग जज भी करते हैं हमारी इंडस्ट्री को, आपकी इंडस्ट्री वाले काफ़ी जज भी करते हैं कि यार ये तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कर तो रहे हैं, चाहे किसी भी कारण के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं. देश को आज ज़रूरत है, एक की नहीं हज़ारों की है, लाखों विवेक की ज़रूरत है जो आके काम करें, बस लोगों की मदद करें, देश को वो ज़रूरत है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई एम प्राउड ऑफ एवरी सिंगल एक्टर, नो मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम माई फ्रटर्निटी, एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु डज वन थिंग अ डे ऑल्सो फॉर अ नॉन सेल्फिश, निस्वार्थ भावना से अगर वो करता है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. नहीं करो ऐसी चीजें, नहीं करो. थैंक यू फॉर हैविंग दिस सोशल कॉज, व्हिच इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड एज वी ऑफ कोर्स हैव नीडेड डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अप्रिशिएबल. थैंक यू. I would like to ask you that you guys started with Vrindavan, and in India many other parts also need this. So when exactly do you have plans to do it? You know, when in the beginning he used to always say that I want to build 100, I want to build 200 schools, but it's really difficult. So I'm going to ask Rupa Bhaiya to answer this for you, but what I feel is agar aap ek jagah proof of concept karo ki ye ho sakta hai, हमने बिना किसी सरकारी मदद के अपने ही ताकत लगा के, अपनी शक्ति लगा के हमने एक ऐसा एक साधन क्रिएट किया, एक स्कूल क्रिएट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब चौथा बनाने जा रहे हैं, और इससे हज़ारों लड़कियों की पिछले 2001 से जिंदगियां बदल गई. व्हेन पीपल कम एंड सी दैट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एंड कैन टेक इट बैक टू वेयर एवर दे आर फ्रॉम एंड कॉपी दैट एंड लर्न फ्रॉम व्हाट यू नो रूपा भैया हैज़ क्रिएटेड एंड refined over the years, I think that itself as a example, as a mission, is a great idea. But then we need more people. We need somebody like you who stands up and says, theek hai yaar, main aaj bahut inspired hoon, I'm going to go to Vrindavan, stay there for 3 months, learn it, come back and do it, you know, in my native place. So we need people like you to come forward and do that. But Rupa bhai, I want you to answer that too. Yeah, well, like practically speaking, we have created a model which works. Narendra Modi and the Indian government should take notice of that. They are the ones that can have 108 or 1 lakh in a school like that all over India. It's a model, is there, is working, now need to be replicated. I have a difference of opinion there with him. I feel that we as citizens have this habit of saying government ko karna chahiye, sarkar ko karna chahiye. To aap kya kar rahe ho? Har cheez wo karenge to aap kya kar rahe ho? गवर्नमेंट किसकी है? आपकी है. देश किसका है? आपका है. ये इटालियन आदमी ने आके, ये जितने हिंदुस्तानी हैं यहाँ पे, आई एम कैन से इंक्लूडिंग मी,
हम सब से मिलके ज्यादा काम इस देश के लिए इस इटालियन ने किया. हम सब एक तरफ, इस इटालियन की सारी कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, बच्चियों के लिए एक तरफ. हमें या तो शर्मानी चाहिए या तो इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि यार वी नीड टू डू समथिंग. इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट दैट. ही इज कम ना, ही इज डन इट विदाउट एनी गवर्नमेंट. ही डिडंट नो द लैंग्वेज व्हेन ही केम. एक इच्छा थी, करना है, किया. लोग कर सकते हैं, मॉडल है. ही इन्वाइट्स पीपल, ही सेज आओ सीखो हमसे, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू हमसे लर्न करो, और आप अपने खुद इस चीज को प्रोपेगेट करो, आगे बढ़ाओ इसको. थैंक यू. यार ये तो गवर्नमेंट को सवाल पूछना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट से बड़े दूर रहते हैं. ऐसा मत करो, मत करो, मत करो. क्या होगा, जितना मैंने बोला हूँ पिछले एक डेढ़ घंटे से, वो सब चला जाएगा और इसकी बात.